गुड मॉर्निंग। सो ये मॉर्निंग टाइम और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। अभी भी इशू जो है वो रेडी हो चुका है जाने के लिए, जो उसकी ड्यूटी है। सो यहाँ पर मैं दिखा रही थी चुपके से कि अभी तक ये सो रहे थे ना, तो वही दिखा रही थी कि देखो कब उठेंगे, कब काम पे जाएंगे। और जीतू भी सो रहा है, तो तब तक अपना मॉर्निंग वाला जो काम होता है, मेन चाय, नाश्ता, नाश्ता मतलब टिफिन बॉक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मशीन में 2 दिन होते लिए कि 2 बार का काम क्या है, कपड़े धोना, तो बस वही चल रहा है। तो उसमें से निकाल के पहले सो मतलब धोने वाले कपड़े हम ड्रायर में रखते हैं ना, जब धोने होते, तो फिर जब मैं मशीन लगाती हूँ तो फिर ड्रायर से ही निकाल के मैं सर्फ के पानी में डाल देती हूँ अपने डिटर्जेंट वाले, ठीक है। तो अब उसको मैं भिगो के रखूँगी कपड़ों को। तो बहुत दिन से जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, तो अब मैंने सोचा है, अब मैंने ज़िद पकड़ ली कि नहीं भाई, अपने को कुछ तो कुछ करना ही है। तो जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, ठीक है। और मैं आपको कैंडी जो जीतू के लिए आती है ना, अभी जो लेकर आते हैं, उसमें मैंने सर्फ भर के रखा हुआ है, क्योंकि जो बड़ी वाली बर्नी थी मेरी सर्फ की, वो जीतू ने तोड़ दी थी, तो कुछ था नहीं। तो हमेशा मुझे पैकेट्स फोड़ फोड़ के डालने पड़ रहे थे टाइड के। तो फिर फाइनली मुझे ये बर्नी मिल गई छोटी सी, तो मैंने इसमें मतलब इसमें समझ लो 2 किलो तक रह जाता है टाइड। तो बस, और सारे कपड़े चेक करके डालने पड़ते हैं कौन से उल्टे हैं, फिर सबकी पॉकेट्स वगैरह चेक करनी पड़ती है, और बहुत कुछ है काम। तो सीधे कपड़े एक्चुअली मैं मतलब उल्टे कपड़े जो होते हैं वो उनको सीधा करके डालती, क्योंकि क्या कहते हैं, हम लोग पहनते तो सीधे कपड़े ही है ना, तो डस्ट मतलब गंदगी जो होती है वो बाहर से होती है, तो फिर इसीलिए। पर मैंने बहुतों को देखा है कि लोग ना उल्टे कपड़े करके डालते हैं और उल्टे कपड़े करके ही सुखाते हैं। आई नो मतलब कि बाहर की धूल वूल चिपके नहीं इस वजह से होगा, बट ठीक है। और अंदर भी बेडरूम में भी बहुत से कपड़े थे, तो वो मैं लेकर आ गई थी, तो उसमें पॉकेट्स वगैरह चेक करके। और इनू के पॉकेट्स में हमेशा जो है ना पैसे मिलते हैं मुझे, हमेशा। उसको मैंने हमेशा कहा हुआ है कि तू कुछ भी चीज़ें लेकर आएगा, ये देखिए कुछ भी चीज़ें लेकर आएगा तो तू जो है ना पैसे निकाल कर मेरे पर्स में रखा कर फिर से। पर वो हमेशा भूल जाता है और हमेशा मुझे उसकी जेब से जो है वो पैसे मिलते हैं। और ऐसा है ना कि मुझे लक्ष्मी हर जगह से मिलती, कहीं पे भी, कहाँ पे भी, ये लोग कहीं पे भी रखते हैं और मुझे मिलती रहती है। तो बस यही है। तो अभी मैं सुबह सुबह चाय बना रही हूँ। जीतू का जो खाना है वो गैस बंद है, यानी कि बन चुका है। तो और चाय तो आपको पता ही है कि दूध की रहती है हमेशा, तो उसमें अभी मैंने फ़िलहाल कुछ दिनों से ना अदरक भी बंद कर दिया। तो बस यहाँ पे जीतू का खाना मैंने निकाल दिया और उसको मैं अच्छे से घोट रही हूँ, नमक वगैरह ऐड कर दिया। और मैं ना उसको इसी तरीके का खाना खिलाता हूँ, मतलब सॉफ्ट, ताकि उसका पेट भरा रहे। वरना वो क्या करते हैं पता है, अपना ऐसा नहीं है कि वो बड़े लोगों का नहीं खाता है, खाता है, पर वो पेट भर के नहीं खाता है, चुटुर पुटुर चुटुर पुटुर ऐसे ऐसे खाएगा और फिर बोलेगा बस मैं पेट भर लो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं सोचती हूँ कि उसको ऐसा खाना अगर खिलाती हूँ मैं, तो ना एटलीस्ट उसका जो पेट है वो भरा हुआ रहता है। फिर उसको 2-3 घंटे के बाद मैं खिला देती हूँ, ठीक है, कभी दाल चावल, कभी खिचड़ी, कभी कुछ। लेकिन अभी तक जो है ना वो रोटी वगैरह नहीं खाता है, मतलब ऐसे खाता है पर वैसे नहीं खाता है जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे बच्चे खाते हैं ना 1 रोटी 2 रोटी पेट भर के, ऐसा नहीं खाता है वो। 1-2 निवाली खाएगा और बोलेगा बस मैं पेट भर लो। तो फिर मेरा ऐसे रहता है ना कि नहीं भाई, इसका पेट भरा हुआ रहना चाहिए। तो चाहे कैसे भी नरम खा ले तू, लेकिन पेट भरा होना चाहिए। बस ये चीज़ है मेरे साथ में और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे भी चाय बन गई थी, तो चाय को मैं अच्छे से बॉईल कर रही थी और चम्मच वगैरह चला के, ताकि पाउडर वगैरह अच्छे से मिल जाए। कहाँ जाने? पिजन पिजन पकड़ने को? पिजन पकड़ने जा रहे हो? अच्छा, तुम्हारी तबीयत सही हुई? कैसा लग रहा है? वो गए मिला स्कूल में चालू। किधर जा रहे हो? नीचे। नहीं जाने का? अभी तबीयत सही है ना? नहीं, नहीं सही है। देखो आवाज़ देखो, सही नहीं है। समझ में आया क्या? समझे? आवाज देखो पहले, नहीं हुआ सही।
देखिए कैसे सो रहा है, हाथ को फोल्ड करके। तो बस दोपहर को जीतू सो गया था और उठ गया था, तो मैं उसको चुपके से ले रही थी और वो शर्मा रहा था, छुप रहा था बार बार। ठीक है, चलो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, पुराने हो तो थैंक यू सो मच, और एंड मिस मत करना। एंड ये है कि इनू के स्कूल का जो मार्च पास था तो मैंने वो क्लिप जो है डाली हुई है, तो आप लोग देख लेना, मिस मत करना। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू सून। मुंह कौन छुपा रहा था बार बार, मम्मा वहां से वीडियो ले रही थी तो कौन छुपा रहा था? अरे अरे माझ जानू ची तब्येतीला काय झालं? जानू काय झालं तुझ्या तब्येतीला? जीतू जीतू जीतू, हेलो। तो अभी उठा है जीतू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सो के उठा है, लेकिन बेचारा ना ऐसे उठता है, देखो खांसते खांसते उसको ना थोड़ी सी, तो उसको कुछ जरा सा बोलो, ये देखो उसको मैंने हमेशा बोला है, जब भी खांसी आए तो तुरंत थोड़ा सा खांस ले, उठ के बैठ जा और फिर पानी पीना, बोला है ना मम्मा ने। हाँ फिर क्यों नहीं पानी पीते हो तुम? किधर है तुम्हारी पानी की बॉटल? किधर है बताओ? वो उधर रखी हुई है ना। हाँ तो उसकी जो बेचारे की खांसी है ना, वो जा ही नहीं रही, वो तो परेशान हो गया, वो खास खास के, मतलब उसको नींद में ऐसी खांसी आती है, फिर ज्यादा चिल्लाएगा या ज्यादा कुछ बोलेगा ना तो उसको खांसी आने लगती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि चिल्ला मत तू। और ये थोड़ा लाइट डार्क लग रहा है ना पीलो कवर, और ये जो इसके ऊपर बेडशीट पड़ी हुई है, वैसे ये बेडशीट नहीं है, मतलब बेडशीट की तरह बोल सकते हो पर है एक्चुअली मैट्रेस प्रोटेक्टर, बट ये वो मटेरियल नहीं है, तो ये बेडशीट वाला मटेरियल मुझे फील हो रहा है जब मैं इसके ऊपर सोती हूँ ना, तो वैसे लगता है। हाँ ये है कि अभी यहाँ पर बेड ले ली है ना, तो दीवार से टच है ना बेड, है ना, और यहाँ पे गैप है, इस वजह से मैंने ये हाँ भी लेकर आए थे, तो फिर वो न्यू का न्यू रखा हुआ है, तो उसको वहां पे लगा दिया ताकि जीतू कभी ना नींद में ऐसे गिरे नहीं यहाँ से। एक बार मतलब बहुत पहले जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो एक बार मैंने ऐसे बेड यहाँ पर रखा था ना, तो जीतू जाके ना पूरा का पूरा उसमें जाके खड़ा हो गया था नींद में। तो तब से मैंने सोचा, मतलब मैं रात को उसको लगाती थी पीलो, पर वो दोपहर के टाइम में अभी ऐसा होता है ना, कम्बर से सारी चीजें वहां से, मतलब जो अपनी पीलोज है वो यहाँ पर लाके लगाओ, और रात को कैसे लंबी नींद होती है करके फिर सब उसको सेट करती थी, तो दोपहर के टाइम में ना वो जाके फंस गया था, तो पूरे के पूरे खड़े हो गए, मम्मी मी अड़क लो मम्मी। है ना, देखो देखो कैसे मार रहे अपनी मम्मा को पैर। सवाल तो बाय गाइज, आप कुछ मत देखना जो जीतू दिखा रहा है, बाय। आप लोग सब लोग नाराज हो ना जीतू से? और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज लाइक किया करो, ठीक है, और मुझे ऐसे पता है कि बहुत से लोग चुप चुप के देखना मुझे पसंद करते हैं, पर उनको ना लाइक करना पसंद है ना सब्सक्राइब करना पसंद है, तो कोई ना, आप देखते हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये फ्यूचर में कभी आपको लगे कि लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है तो जरूर कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग मतलब वाकई दिल से पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, बेल आइकन बटन प्रेस किया करो। यार कि जब भी मैं अपने व्लॉग्स जब अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्या टेंशन है, कर लिया करो, पैसे नहीं लगते इसमें, है कि नहीं? चलो मिलते हो थोड़ी देर में, अभी महाराज हमारे महाशय जो है ना उठे, इनका
टमी जो है ना वो खाली हो चुका है, अब टमी में डालना है फूड, यमी यमी सा है ना। चलो बाय करो, चलो शिव को बाय कर लो, चलो चलो बाय कर लो। आ बस अभी इसको पता नहीं क्या इतना सा बहाना लेके बैठता है, ये तबियत नहीं सही है माँ जी, तबियत नहीं सही है माँ जी, तो इसको ना ज्यादा भाव देते ना तो ज्यादा अकड़ में आता ही। कोई नहीं, चलो बाद में मिलते हैं।